वेलकम एवरीवन फॉर डिस्कशन ऑन ICT दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज फ्रॉम पेपर 1 ऑफ यूनिट 8 फॉर UGC नेट NTA एग्जामिनेशन एंड टुडेज डिस्कशन इज ऑन सब यूनिट दैट इज डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या होती हैं। जो भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है वो डिजिटल हो चुकी है थ्रू ICT और इन्हें हायर एजुकेशन में लिया गया है। अगर डिजिटल इनिशिएटिव्स को हम हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व करते हैं तो जो रिसर्चर्स और लर्नर्स हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। हायर एजुकेशन में रिसोर्स शेयरिंग बढ़ जाएंगी और पढ़ाई में लर्नर्स को हेल्प मिलेगी। डिजिटल इनिशिएटिव इन NMICT के थ्रू आती है इन हायर एजुकेशन और NMEICT मीन्स नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT एंड इट इज़ अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका मेन पर्पस ये है कि जो भी जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सुविधा है उनको हम इंक्रीज करें और इनके थ्रू हायर एजुकेशन को बेटर बनाएं। बेसिकली हायर एजुकेशन में जो लर्नर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और उनका मेन पर्पस है टू इम्प्रूव द एजुकेशन टू इम्प्रूव द रिसर्च। हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 4 पॉइंट्स ही है। फर्स्ट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को इंक्रीज करने के लिए हायर एजुकेशन को एक्सपांड करना होगा। सेकंड, इसका मेन एम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को हायर एजुकेशन में बढ़ाना है। एजुकेशन क्वालिटी को एनहांस करके हाई क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को बड़े पैमाने पर एक्सपांड करना है। इन फैसिलिटीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेशंस के साथ रखना है। देखते हैं कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑनलाइन माध्यम से हायर एजुकेशन इम्पेरेटिव हुआ है। फर्स्ट इज अफोर्डेबल, लो कॉस्ट में लार्ज लर्निंग फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है। सेकेंड, हाई क्वालिटी, एश्योरिंग अ हाई क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। थर्ड इज इंक्लूसिव, ऑनलाइन एजुकेशन रूरल एंड अर्बन एरिया में डिवाइड किया गया है। फोर्थ इज एम्प्लॉयबिलिटी, ऑनलाइन एजुकेशन से यूथ में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई है। यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का यूज करके यूथ ऑनलाइन कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। स्मार्टफोन, इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। हाइयर स्पेंड, अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द हिथेरटो अनरिच पॉपुलेशन टू द पोर्टल्स ऑफ हाई एजुकेशन। रिट्रेनिंग द वर्क फोर्स एज पर द नीड्स ऑफ द मार्केट इज बेस्ड सर्व बाय ऑनलाइन एजुकेशन लीडिंग टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। स्किलिंग द अनस्किल्ड, इट हेल्प्स टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ अनस्किल्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट इनिशिएटिव दैट इज स्वयं। स्वयं जो है वो एक मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जो कि इंडिया में बनाया गया है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और किसी को भी कहीं पर भी किसी भी टाइम पे ये एक्सेसिबल होता है। स्वयं का फुल फॉर्म स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स और ये एग्जाम व्यू से याद रखना जरूरी है। द कंसेप्ट ऑफ मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इज बहुत सारे लोगों को एक साथ लर्निंग कंटेंट डिलीवर करता है और इस शेयरिंग के थ्रू बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलता है जिसकी वजह से आपको एक समान क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। इस प्लेटफॉर्म पर ऑल कोर्सेस अवेलेबल हैं और उनको बेस्ट टीचर्स ने प्रिपेयर किया है और स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया गया है। स्वयं ने जो कोर्सेस ऑफर किए गए हैं उसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट इज वीडियो लेक्चर के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। सेकंड, वीडियो लेक्चर के साथ साथ ई कंटेंट और PDF भी प्रोवाइड होती हैं जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज टेस्ट एंड क्विजेस के थ्रू आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी ले सकते हैं। एंड फोर्थ इज फोरम पर डिस्कशन करके आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज ऑफर्ड इन स्वयं में क्या ऑफर किया गया है। कुछ कोर्सेज इंक्लूड हैं जिसमें इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड रिक्रिएशन, कॉमर्स, जनरल, लाइब्रेरी, एजुकेशन अवेलेबल है। सेकंड, जो कोर्सेज स्वयं पर डिलीवर होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट चाहिए
होता है, अगर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट चाहिए तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके लिए उनको लिटिल फी पे करके रजिस्ट्रेशन करना होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज एट द एंड ऑफ ईच कोर्स स्टूडेंट को एक असेसमेंट दी जाती है प्रोक्टर्ड एग्जाम के थ्रू, और उनके मार्क्स एंड ग्रेड सिक्योर रखे जाते हैं और उनको स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो स्वयं के लिए अपॉइंट किए गए हैं। AICTE, NPTEL, UGC, CEC, NCERT, NIOS, IGNOU, IIMD, NITTER, ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो स्वयं के लिए अपॉइंट किए गए हैं। उनके यहाँ फुल फॉर्म भी दिए हैं और विच कोर्सेज के लिए वो ऑफर किए गए हैं वो भी दिया है। इस स्लाइड्स के थ्रू आप इजीली नेशनल कोऑर्डिनेटर्स याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्वयं बेनिफिट्स। फर्स्ट इज बेस्ट इन क्लास इंस्ट्रक्टर, वीडियो लेक्चर के थ्रू वो आपको नॉलेज एंड स्किल प्रोवाइड करते हैं जस्ट लाइक अ क्लासरूम इंस्ट्रक्टर। सेकेंड वीकली असाइनमेंट, आप वीकली असाइनमेंट ले सकते हैं और अपना प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं जिसे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कहा जाता है। थर्ड इज प्रोक्टर्ड एग्जाम, अथोराइज चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं और उनके मार्क्स भी सिक्योर रखे जाते हैं। फोर्थ इज इजी क्रेडिट ट्रांसफर, जो सिक्योर्ड मार्क्स होते हैं उनको स्टूडेंट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं। फिफ्थ इज एक्टिव लोकल चैप्टर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लर्निंग कंटेंट्स डिलीवर किए जाते हैं। एंड लास्ट वन इज सिस्टमैटिक अप्रोच टू अलाउ ईच लर्नर्स टू लर्न एंड प्रोग्रेस विद ओन प्लेस। नेक्स्ट हाउ टू एक्सेस स्वयं, स्वयं को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप स्वयं पोर्टल को वेब के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और इसे मोबाइल में भी आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जहां 34 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स प्रोवाइड किए गए हैं थ्रू DPH और 24 आवर्स बेसिस वो अवेलेबल होता है, और इसे GSAT-15 सैटेलाइट के थ्रू टेलीकास्ट किया गया है। ये TV पर टेलीकास्ट होता है, हर दिन इनके पास 4 आवर्स न्यू कंटेंट होते हैं और बाकी सारे कंटेंट पुराने होते हैं। सारे कंटेंट को रिपीट किया जाता है 5 मोर टाइम्स इन अ डे। स्टूडेंट्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और ये चैनल्स अपलिंक होते हैं फ्रॉम DSAC गांधीनगर। नेक्स्ट द DTH चैनल्स कवर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज हायर एजुकेशन, यहाँ करिकुलम बेस्ड कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट टू अंडर ग्रेजुएट लेवल, सच एज आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। और ये कोर्सेज आपको स्वयं प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल होते हैं। सेकेंड स्कूल एजुकेशन 9 to 12 लेवल्स, यहाँ एक मॉडल बनाया गया है टीचर्स ट्रेनिंग एज वेल एज टीचिंग एंड लर्निंग एड्स के लिए, उन चिल्ड्रंस के लिए जो इजीली सब्जेक्ट अंडरस्टैंड कर सके और उनको सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प भी मिल सकती है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं। थर्ड इज करिकुलम बेस्ड कोर्सेज, जितनी भी इंडियन एंड एब्रॉड में सिटीजन्स हैं उनके लर्निंग के नीड को मीट करने के लिए चैनल को बनाया गया है। एंड फोर्थ इज असिस्ट स्टूडेंट्स क्लास 11 टू 12 फॉर स्कूल टू हायर एजुकेशन लार्ज नंबर ऑफ असिस्ट स्टूडेंट्स क्लास 11 टू 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। देर आर लिस्ट ऑफ 34 चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा, यू कैन गो थ्रू स्लाइड्स फ्रॉम डिटेल्स ऑफ 34 चैनल्स, दीज आर द टोटल 34 चैनल्स। नेक्स्ट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, हियर एजुकेशनल मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर यूजर्स फ्रॉम प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, या एजुकेशन मटेरियल अवेलेबल होता है फ्रॉम प्राइमरी टू ग्रेजुएट लेवल।
फॉर स्कूल टू हायर एजुकेशन लार्ज नंबर ऑफ ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और ये एक सिंगल विंडो प्रोग्राम है। मोर देन 50 लाख स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स इन द एनडीएल विद अबाउट 20 लाख एक्टिव यूजर्स। द एनडीएल इज अवेलेबल थ्रू अ मोबाइल ऐप टू एंड इट मे बी एक्सेस्ड ऑन ndl.government.in। नेक्स्ट द प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप फॉर स्कूल टू हायर एजुकेशन लार्ज नंबर ऑफ ई कंटेंट प्रोवाइड करता है गैदरिंग मेटा डेटा फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस एंड स्टोरिंग इट इन अ सेंट्रल डेटाबेस। इट इज सर्व इन पैन लेवल एंड फोर्थ इज इस पोर्टल पर हम रिसोर्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डिजिटल इश्यूरेंस स्टोरेज एक्सेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स। ये एक ऑनलाइन स्टोर हाउस है जो सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स सेफली स्टोर कर सकता है। यहाँ हम अपने सर्टिफिकेट्स सेफली स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टीज एंड इट इज इनोवेटिव एंड प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव इन डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट इज ई शोध सिंह। रिसर्चर्स को एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए इसलिए ई शोध सिंधु को बनाया गया है। UGC, इन्फोनेट, NLIST एंड IMDE-STAICTE कंसोर्टियम को मर्ज कर ये ई शोध सिंधु बनाया गया है। इसके थ्रू ऑल रिसर्चर्स एक प्लेटफॉर्म से तीनों कंसोर्टियम के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ई शोध सिंधु। शोध सिंधु में ई जर्नल एंड ई बुक्स अवेलेबल है और सब्सक्रिप्शन करके हम इन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ई रिसोर्सेज के यूजेस को हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट इज वर्चुअल लैब। फिजिकल डिस्टेंस वर्चुअल लैब ये अंडर द एजिस ऑफ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT आता है। फिजिकल डिस्टेंसेस एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसे वर्चुअल लैब कहते हैं। यहाँ कोई भी स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकता है और वहाँ से देख सकता है कि जो भी रिएक्शंस पर्टिकुलर रिएक्शंस हो रही हैं और जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। इसका पर्पज़ ये है कि टू एनहांस द क्रिएटिविटी इन द स्कॉलर्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्चुअल लैब। स्टूडेंट्स रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं लैब को। स्टूडेंट्स में क्यूरियसिटी क्रिएट होगी जिसकी वजह से वो इन्वेंशन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज वर्चुअल लैब में कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड की जाती है जहां स्टूडेंट्स को वेरियस टूल्स अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स को कॉस्टली इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेस भी अवेल किए गए हैं। नेक्स्ट इज ई यंत्रा। ई यंत्रा ये एक रोबोटिक प्रोग्राम है जिसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बनाया गया है एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय MHRD अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ये यंत्र एक लैब क्रिएट की गई है जहां टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें एंड IIT बॉम्बे इस पर काम कर रही है। मोर देन 275 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज कैंपस कनेक्टिविटी। जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं हायर एजुकेशन की वो एजुकेशन फील्ड को एनहांस कर सके थ्रू ICT, ये इसका मेन एम है। इट प्रोवाइड्स 20 ब्रॉडबैंड कनेक्शंस ऑफ 512 kbps स्पीड टू 25000 कॉलेजेस एंड 2000 पॉलिटेक्निक्स एंड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी 1 gbps टू 419 यूनिवर्सिटीज। द MHRD हैज़ नाउ डिसाइडेड दैट द कैंपसेस ऑफ यूनिवर्सिटी शैल बी मेड वाईफाई एनेबल्ड कैंपस। All IITs, IIMs and NITs have established Wi-Fi connectivity. Next is talk to a teacher.
It is developed by IIT Bombay and it is an initiative of National Mission on Education through ICT, which is funded by MHRD. यहाँ कुछ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया गया है बिटवीन फैकल्टी मेंबर्स एंड स्कॉलर्स. सेकेंड, इट यूजेस अ कोलेबोरेशन टूल डेवलप्ड बाय अमृता यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड वर्चुअल क्लासरूम्स टू फैकल्टी अक्रॉस इंडिया. और ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं आप अपने लैपटॉप पर यूजिंग इंटरनेट. नेक्स्ट, आस्क ए क्वेश्चन. ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और फैकल्टी फ्रॉम IIT बॉम्बे उनको आंसर दे सकती है. स्टूडेंट्स ऑनलाइन फोरम के थ्रू या फिर लाइव सेशन के दौरान क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज ई आचार्य. ये एक इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है जो लर्नर्स को गेटवे प्रोवाइड करता है. ये एक रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है जहाँ इंफॉर्मेशन ई कंटेंट स्टोर की जाती है. ये एक मेटा डेटा स्कीमा है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल कंटेंट. नेक्स्ट इज इकल्प. इट इज अनदर MHRD NMEICT इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइनिंग इंडिया. डिजाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए ई कल्पा को लॉन्च किया गया है. फर्स्ट इज एंड इट हैज सक्सेसफुली अचीव द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट इज ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर बनाए गए हैं जिसके थ्रू डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स लर्निंग के कंसेप्ट सीख सके. सेकेंड, ऐसे रिसोर्स डेटाबेस बनाया जा गया है जो क्राफ्ट सेक्टर एंड डिजाइन पर इंक्लूड हो. थर्ड पॉइंट इज ऐसे स्पेस बनाया जाएगा जहाँ हायर लर्निंग में जाना चाहते हैं वो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. फोर्थ इज वो सारे प्रोडक्ट्स जो नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू ICT के अंतर्गत आते हैं वो सारे डिजाइन इनपुट्स यहाँ अवेलेबल होंगे. नेक्स्ट इज द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन. IIT बॉम्बे इस पर काम कर रही है और इसका मेन पर्पज़ है इसके थ्रू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रमोट कर सके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. यहाँ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं सच एज टेक्सटबुक कंपेनियन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग वर्कशॉप एंड इंटर्नशिप. फर्स्ट सॉफ्टवेयर इज टेक्सटबुक कंपेनियन TBC. ये एक कोड है जिसके थ्रू स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के एग्जाम्पल सॉल्व होंगे और इनके थ्रू डिफरेंट बुक्स डाउनलोड भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ई विधान. इट इज़ अ डेटाबेस फॉर एक्सपर्ट एंड नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क दैट इज इनिशिएटेड बाय इन्फ्लिपनेट. ये एक डेटाबेस है जहाँ एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स नेटवर्क का डेटा अवेलेबल है. फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपर्ट्स की इंफॉर्मेशन क्विकली प्रोवाइड होती है. सेकेंड, डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है एक्सपर्ट्स के साथ. थर्ड इज अगर आप आर्टिकल लिखते हैं और चाहते हैं कि आपके आर्टिकल्स और रिसर्च वो रिव्यू करें जो ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं. फोर्थ, जो साइंटिस्ट है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, उनके बीच में नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट इज स्पोकन ट्यूटोरियल. ये एक मल्टी अवार्ड विनिंग एजुकेशनल कंटेंट पोर्टल है जहाँ हर एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लर्न कर सकते हैं. यहाँ कोई भी कहीं से भी किसी भी टाइम अपनी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं. ये एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी है और यहाँ रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है. नेक्स्ट इज सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये एक इनिशिएटिव है जो NMEICT के अंतर्गत आता है जिसे IIT दिल्ली ने बनाया है जो 24 आवर्स सपोर्ट करता है. डेटाबेस सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया है. जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाएंगी NIC एंड NKN डेटा सेंटर पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी. NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड NKN का फुल फॉर्म है नेशनल नॉलेज नेटवर्क. इस डेटा सेंटर का
इस डेटा सेंटर को बादल कहा जाता है क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है, इसलिए उसका नाम बादल है। ई आचार्य के जितने भी ई कंटेंट और वीडियो कंटेंट हैं वो IIT दिल्ली पर होस्ट किए जाते हैं। यही एक सर्वर है, क्लाउड है, जिसके थ्रू ई आचार्य के कंटेंट होस्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF को MHRD ने लॉन्च किया है ऑन 29 सितंबर 2015 अक्रॉस द कंट्री। जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उनको रैंक देना ये NIRF का काम है। कोर कमिटी सेट करता है उसका रैंकिंग किस बेसिस पर होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर्स निकाले हैं फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन, जो कवर करता है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड परसेप्शन। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स GAN। इसका एम ये था कि जो हमारे टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर हम इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ दें। बाहर के जो टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं वो इंडिया में भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दें, इस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बेस्ट इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सपीरियंस ला सकते हैं। नेक्स्ट इज उच्चतर आविष्कार योजना UAY। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द UAY स्कीम आर टू प्रोमोट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इन IITs एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज IIM PRIN इम्पैक्टिंग रिसर्च एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो भी हमारे ओरिजिनल साइंटिस्ट एंड और टेक्नोलॉजी रिसर्च हैं उनको बूस्ट करने के लिए IIM PRIN लॉन्च किया गया है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है, IIT प्लस IISc मिलकर बनाया गया है। ये सिंगल विंडो मैकेनिज्म है। देयर आर टू मेन मैंडेट इज इंटेंडेड। फर्स्ट इज न्यू एजुकेशन इंजीनियरिंग एजुकेशनल पॉलिसी को डेवलप करता है एंड सेकेंड इज इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप क्रिएट किए गए हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया TEQIP। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर ये इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट ला सकते हैं। इसे MHRD ने लॉन्च किया गया है December 2002 में। इसका मेन एम टेक्निकल एजुकेशन पर एफर्ट्स डालकर इनकी क्वालिटी इंप्रूव करना और ए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी एनहांस करना है। नेक्स्ट इज PMMMMPT पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। टीचिंग प्रोफेशन में क्वालिफाइड टीचर्स को टैलेंट प्राप्त करना और टीचिंग क्वालिटी को बढ़ाना एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल, ये इसका मेन इशू है। टीचर्स रिलेटेड इशू पता करने के लिए ये इनिशिएटिव परिकल्पित है। क्वालिटी टीचर्स का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल कैडर बनाता है। नेक्स्ट इज RUSA राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इट इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्लान्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू इम्प्लीमेंट फंडिंग रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द हायर एजुकेशन सेक्टर एट द स्टेट लेवल। दीज आर मोस्ट अपडेटेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच में अपियर इन द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। ऑल ऑफ यू आर एडवाइज टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर की एट द एंड ऑफ लास्ट क्वेश्चन। इन केस यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे पोस्ट यूअर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। प्लीज डू शेयर। थैंक यू।